आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने काम करना शुरू कर दिया है। उसी क्रम में प्रखंड सह अंचल कार्यालय बेड़ो के सभागार में शनिवार को मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर सीओ सुमंत तिर्की की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में 2024 के निर्वाचन के मद्देनजर सभी बीएलओ को घर घर सर्वेक्षण करते हुए मतदाता सूची में फोटो तथा नाम सुधार का निर्देश दिया गया। इस दौरान सीओ ने कहा कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी बीएलओ तथा सुपरवाइजर को पारदर्शिता तथा निष्ठापूर्वक समर्पित होकर गंभीरता से कार्य का निष्पादन करने का निर्देश दिया। वहीं सभी बीएलओ को घर घर सत्यापन कर छूटे हुए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में चढ़ाने का निर्देश दिया। इसके अलावा प्रपत्र के माध्यम से 18 प्लस के युवक युवतियों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में मतदाता सूची को दुरुस्त करने, वोटिंग प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत व फलायन कर गए मतदाताओं का नाम हटाने सहित त्रुटियों को दुरुस्त करने पर चर्चा की गई। बैठक में मुखिया, पंसद, बीएलओ, सुपरवाइजर सहित कई लोग मौजूद थे। सोना न्यूज भेड़ो से राज रॉय की रिपोर्ट। तो अभी से ही आप लोगों को जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, ये पर्ची मिला होगा, संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम शुरू हो गया है बीएलओ के माध्यम से, और इसमें चार चीज आप लोग बहुत बहुत ही विशेष रूप से ध्यान में, जितने भी जनप्रतिनिधि है, जैसे बीएस की दीदी लोग हैं, जैसे